ये बात है लीन मंथ की। जब जो लीन मंथ होते हैं एलआईसी में, कुछ कुछ मंथ ऐसे होते हैं जहां पर बिजनेस कम होता है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है वहां पर कि हम उन लीन मंथ में जो भी बिल्ड अप पॉलिसीज होती हैं और जो लैप्स पॉलिसीज होती हैं या जो ऑफन केसेस है, मैं अक्सर उनके ऊपर काम करती हूँ। तो इसी तरह से मुझे एक लिस्ट मिली थी जिसके अंदर काफी सारी पॉलिसीज का था कि जो लैप्स थी या जो बिल्डअप पॉलिसीज थी, तो मैंने वो लिस्ट को देखा और उसमें मैंने कुछ सॉर्ट आउट करा। और मुझे, आपको पता है जैसे एलआईसी के अंदर क्या रहता है कि पहले तो कभी कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं उसके अंदर लिखा जाता था और सिर्फ एड्रेस होता है हमारे पास। तो मैंने उस जो एड्रेस था वहां देखा, मैंने एक ही नाम से तीन पॉलिसीज हैं और तीनों की तीनों पॉलिसीज जो है वो पेड अप कंडीशन में है। तो उसमें अराउंड 4.5-5 लाख के करीब का अमाउंट भी बनता है। तो मैंने वो लिस्ट ली और मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट लिया क्योंकि किसी नई जगह पर जाना था, एड्रेस ऐसा था जो कि मैं जानती भी नहीं थी उस, और हम लोग गए वहां पे, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई वहां पे। ऐसी जगह जब नई जगह में जाते हैं तो मैं कभी भी अपने स्टाफ को नहीं भेजती, मैं खुद से जाना करती हूँ क्योंकि मेरे को होता है कि वहां जाके हम एक देख सके कि क्या बैकग्राउंड है, क्या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, किस तरह की सोच के लोग हैं। तो जब मैं वहां गई तो बड़ा मुश्किल से दरवाजा खोला, वो कोई फीमेल सी होल्डर थी जिनके लिए मैं गई थी। तो जब वहां पर एक लेडी आई, ओल्ड लेडी आई, और उन्होंने कहा जैसे कि एक अजनबी को जब देखते हैं कोई, तो कोई भी एकदम से अपने घर में एंट्री नहीं आने देता, करने देता, काफी बड़ी कोठी थी वो। तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए आए हैं, तो मैंने नाम लिया उनका जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी, जिनकी पॉलिसी थी। तो वो कहने लगे यहाँ कोई ना रहे, यहाँ कोई नहीं रहती, उन्होंने अपनी लोकल भाषा में बात करी। तो मैंने कहा नहीं, एड्रेस तो यही है, प्लीज आप अपने घर से किसी बड़े जने, मतलब कोई और बच्चा हो या कोई और लेडी हो, तो आप प्लीज उनसे मेरी बात करा दीजिए। तो फिर तभी उनकी बहू आई और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो आप बता रही हैं ये हमारी नंद है, बट इनकी शादी हो चुकी है, ये तो बहुत, ये उनका ये मायका है। तो मैंने कहा प्लीज आप मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए जिनसे ये उनका कुछ फंड बनता है जो मुझे उनको लौटाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, बाहर ही मैं रही, घर के बाहर एंट्री भी नहीं करने दी थी, और मैंने वो, उन्होंने मुझे कांटेक्ट नंबर दे दिया उनका। तो फिर मैं जब घर पहुंची और फिर मैंने नेक्स्ट डे कांटेक्ट किया, तो बड़ा अनमना सा आया, कौन सी पॉलिसीज क्या, कुछ ऐसा है, बड़ा नेगेटिव सा आंसर था उनकी तरफ से, रिस्पॉन्स था। तो मैंने कहा नहीं, आप ही का पैसा है, आप ही को लगाना है। तो कहते कि ऐसे कौन देता है पैसा, ऐसे कौन, किस तरह से आप, कोई, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार ही मिलना चाहूंगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, बड़े अनमने मन से वो जो लेडी थी वो तैयार हुई और मुझे कहा ठीक है आप आ जाइए, 4-5 दिन के बाद आप आ जाना। और फिर मैंने फोन किया, फिर नहीं मिले। तो फिर से खैर मैंने कॉन्टिन्यूअसली उनको कॉन्टेक्ट दोबारा करा, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप घर आ सकती हैं। और जब मैं मिली तो बताया कि आपका इतना इतना फंड मिलता है, आपका ये पेड अप अमाउंट है, एलआईसी ये पैसा हम आपको रिफंड करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर उनके दो लड़के थे, वो भी थे, और वो कह रहे थे कि ऐसे कोई देता है कोई पैसा? तो उन्हें तो बिल्कुल ध्यान में भी नहीं था कि उनका ये कोई पैसा एलआईसी के पास रखा हुआ है या उनकी कोई पॉलिसीज भी है। तो मैंने उन्हें जब बोला तो उनके पास किसी भी तरीके का कोई पॉलिसी बॉन्ड नहीं था, कुछ नहीं था। तो बट मेरे को था है पॉलिसीज, तो कहने लगे कि हमें थोड़ा सा टाइम दो मैडम, फिर आना, मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, ऐसे मैं एक भी पेपर नहीं देती किसी को भी। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन बातचीत में मुझे ये भी पता चल गया था कि जो उनके हस्बैंड है वो वहां दिल्ली में नहीं रहते, वो अब्रॉड रहते हैं, उनका बिजनेस दिल्ली से विदेश में है। तो फिर ये इस बात में कम से कम 15-20 दिन 25 दिन लग गए, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे पैसा तो इनका देना ही चाहिए। तो फिर से बात करती हूँ और फिर मैंने अप्रोच करा और फिर मेरे को परमिशन मिली कि हाँ आप आ जाइए। तो उनको दो पॉलिसी बॉन्ड मिले, जबकि टोटल मिला के उन्हीं की फैमिली में और भी पॉलिसीज निकले जो कि सभी पेड अप कंडीशन में थी, जिनके अंदर अराउंड 10-12 साल के लिए प्रीमियम दिया गया था, बाकी 25 साल पुरानी 30 साल की टर्म की भी पॉलिसीज थी, तभी वो बिफोर मैरिज की पॉलिसी थी। तो ये सब करके जब मैंने पेपर लिए तो मैंने उनको बताया कि आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो अप्रोक्स 7.5 लाख के करीब बनता है, ये जो अब हम 5 लाख। तो कहने लगी कि अच्छा सच में आप ऐसा, ये पैसा मुझे मिल जाएगा? तो मैंने कहा हाँ मिल जाएगा,
लेकिन ये पेपर तो पूरा करना पड़ेगा, बॉन्ड्स भी नहीं है, डेबिट बनेगा ये सब। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा अगर ऐसा हो सकता है तो आप ऐसा करना, आधा पैसे आप रख लेना आधा। तो मैंने कहा हम एक रुपया भी नहीं लेंगे, ये तो हमारा काम है। हाँ मैं आपको पॉलिसी के लिए जरूर बात करूंगी आपके बच्चों के लिए। तो वो फीमेल बोली कि मेरी इस उम्र में क्या पॉलिसी है। और उनका बेटा जो था वो मुझे उसमें बहुत एटीट्यूड नजर आ रहा था, मतलब लाइक वो जो बच्चा था वो हंस रहा था और वो कहने लगा ये 5-7 लाख से हमारा क्या होगा, इससे क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं आपसे आपको आप डिजर्व ही नहीं करते 5-7 लाख के लिए, तो आपके तो कम से कम 1-2 करोड़ का पॉलिसी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैम देखेंगे। बट मैंने उनको एक चैलेंज भी किया, मैंने उसको बोला कि आपकी इनकम कितनी है ये भी मुझे बताना। तो कहते हैं अभी वो अप्लाई कर रहा था, उसका इंटरव्यूज चल रहे थे नौकरी के लिए भी। तो ये सब हुआ और मैंने सारा पेपर वर्क करवाया, सारा काम कंप्लीट हुआ। इन बिटवीन वो जो 2 ओरिजिनल बॉन्ड्स थे और 3 बॉन्ड वहां पर नहीं थे उनके पास, वो भी मैं ले आई, उनके डॉक्यूमेंट्स भी ले आए। तो इन बिटवीन वो जो फीमेल थी उनके हस्बैंड आए होंगे और उन्होंने उनको बोला कि आपने तुमने ऐसे ही किसी को भी पेपर दे दिए, जानती भी नहीं थी कुछ भी नहीं करती थी, किसी को डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए। तो वो बोले कि नहीं लेडी तो ठीक ही लग रही थी जो आई थी और कह रही थी कि आपका पैसा हमें मिल जाएगा LIC से है, तो दे दिया। कोई बात नहीं, ये सब 3 महीने निकल गए और अक्टूबर मंथ के करीब की बात है। मेरी बेटी थी वहाँ इस समय, दिल्ली में डेंगू का बहुत ज्यादा डेंगू फैला हुआ था, ये बात 2011 की है। तो मेरी बेटी को एकदम से इमरजेंसी में हमें ICU में भी एडमिट करना पड़ा, हमने मैं करके और मैं जस्ट आई थी तो मेरे पास सुबह 9:30 बजे के करीब कॉल आया कि सरता जी मेरे हस्बैंड आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप मिल सकेंगी। तो एक बारी को तो मैंने मना कर दिया कि अभी मैं बहुत स्ट्रेस थी और ये नहीं, मैं तो पता नहीं क्या पूछेंगे क्या कहेंगे, बट मुझे लगा कि जब वो बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि उनके मन में कोई डाउट ना हो कि ये डॉक्यूमेंट ले गई हैं, पेपर ले गई हैं और अभी तक मतलब ये मिलना क्यों नहीं चाहती हैं। तो फिर मैंने दोबारा से फोन करा कि मैं आपसे मिलूंगी। तब तक उनका 4 पॉलिसीज का पैसा हम पेमेंट दे चुके थे, 1 का पेमेंट अभी आना रहता है। तो ये सब बातें हुई तो मैं उनके घर गई और क्योंकि उनकी शाम की ही फ्लाइट थी और उनको वापस चले जाना, मुझे लगा कि अभी नहीं जाती तो उनके मन में, मेरे माइंड में एक्चुअली में उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे ये था कि कम से कम मुझे फेस टू फेस तो होना चाहिए, वो कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो ऐसा सोच के मैं गई थी वहां पे। लेकिन जब मैं उनके घर गई और मैंने देखा कि इन बिटवीन मैंने उनके हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी करा था कि उनका किस तरह का बिजनेस है, तो मुझे बैकग्राउंड तो पता चल गया था कि ये HNI क्लाइंट है और फाइनेंशियली साउंड है ये लोग। तो जब मैं गई तो उनके हस्बैंड ने बोला मुझे, उनके दोनों बेटे ऐसे खड़े हुए थे और वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आओ बहन जी आप बैठिए, आपने तो वो काम कर दिखाया जो मेरे ये 2 नालायक लड़कों ने नहीं किया था, मैं कब से कह रहा था ये फंड्स हैं लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं करी और आपने ये पैसा दिलाया, बताएं आप क्या आप कुछ आपके इसमें चार्जेस लगे होंगे या कुछ ऐसे। तो ऐसे कि चार्जेस नहीं भाई साहब, मैं तो चाहूंगी कि आपके बच्चों के लिए मैं फाइनेंशियली कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट करें कि इनको होल लाइफ इनका इनको इंश्योर्ड भी रहे और जिस तरीके से इनको मिले। तो उन्होंने कहा मैम आई एम हाईली इंस्पायर्ड कि आपने 4 से 5 महीने आपको लगे और मेरी वाइफ ने बताया था, आपने पहले आने से मना कर दिया और फिर उन्होंने बताया कि आपकी एडमिट है और तो चलिए ठीक है कोई अच्छा सा प्लान बताइए, लेकिन आपको मुझे कन्विंस करना होगा कि जो प्लान है कोई ऐसा, आजकल तो जो भी आता है वो ऐसे ही बता देते हैं कि इतना मिलेगा ये रिटर्न ये चीज मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, और मैं अपना सिस्टम लैपटॉप साथ लेके गई हुई थी, तो मैंने उसी टाइम पर फिर मैंने उनको एक प्रेजेंटेशन दी बनाकर और वो पॉलिसी 1 CR का था अप्रॉक्स। तो उन्होंने देखा इससे पहले जो वो लड़का था उसकी जो पॉलिसी हुई हुई थी उसका प्रीमियम था 262 रुपए, जिसका हमने रिफंड दिलाया था हाफ ईयरली 262 था और उस प्लान में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए की वापसी थी उसकी। तो एक बारी को तो उन्होंने देखा कि कहा कि क्या ये डिजर्व करता है इतना इतने का कवरेज। मैंने कहा हाँ इसने मुझे चैलेंज करा था, इन्होंने बोला था कि इस 5-7 लाख से हमारा होगा ही क्या,
उन्होंने कहा ठीक है, और एकदम से उनको आई डोंट नो मतलब जहां पर वो मुझे एंट्री भी नहीं करने दे रहे थे तभी उन्होंने मुझे ब्लैंक चेक दिया बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि आप इस पे अमाउंट भर दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब ऐसे चेक नहीं देती हूँ, आप लिख दीजिए। तो वैसे प्रीमियम 5.5 लाख करीब बनता था, लेकिन ये था कि केस पास होगा तभी फाइनली डिसाइड कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं LIC ऑफ इंडिया लिख देता हूँ और आप ये चेक ले लीजिए। और वो चेक लेके जब मैं आई तो मेरे को बिल्कुल माइंड में ऐसा नहीं था, हालांकि मैं सोच रही थी, मैं पूरी तैयारी के साथ गई थी कि मुझे इनको ये प्लान पिच करना है, और आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन ये अभी ये सिर्फ यहीं पर ही 5.5 लाख पर ही नहीं रुका। जब मैं घर आई तो क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन दी थी उनको 1 CR के हिसाब से, तो मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा सा कम बताया है। मैंने बात करी अपने ब्रांच मैनेजर से सबसे, तो केस हेल्थ जो बच्चा था वो बिल्कुल हेल्दी था, सही था, फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा था कि ये काम हो पाएगा, ये केस पास हो पाएगा, ये प्रपोजल हो पाएगा। तो मैंने उनको 6 से 7 दिन के बाद, मुझे पता था ये अर्ली उसमें केस क्लियर हो जाएगा, और इन बिटवीन उनके जो पापा थे वो वहां से चले गए थे अपने दूसरी कंट्री जहाँ पे वो काम करते थे। तो हमने 2 CR का प्रपोजल डाला और वो 2 करोड़ का प्रपोजल पास हुआ। तब से 20 दिन लग गए थे उसको पास होने में। अब चैलेंज ये भी हो गया कि 5 लाख का प्रीमियम दिया है और 2 करोड़ का प्रीमियम जो बन रहा था वो अप्रोक्स 990 के करीब बन रहा था। तो मुझे उनको फोन करना था और उनसे परमिशन लेनी थी कि ये कैसे एक्स्ट्रा प्रीमियम और फीस के लिए। तो मेरे को एकदम से लगा कि मेरा तो ये पहला केस है, इतना बड़ा सेल मैंने करा है और वो प्रपोजल पास भी हो गया है। तो एकदम से मेरे माइंड में एक क्लिक किया कि मैंने उनको बोला कि मेरे लिए आपका बेटा शाहरुख खान है और जैसे शाहरुख खान की बड़ी बड़ी मूवीज हिट होती है, और मेरा ये पहला प्रपोजल है जो मैंने दिया और ये 2 CR का प्रपोजल आपके बेटे का पास हो गया है, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है जो कि 440 के करीब हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा गुड, आई थिंक वो वर्ड्स उनको पिच करे, उन्हें अच्छा लगा कि उनके बेटे को मैंने शाहरुख खान से कंपेयर किया है, और उन्होंने इमीडिएट कि ठीक है आप घर जाइए और मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि वो आपको एक्स्ट्रा चेक भी दे दे। तो आई लव इट, मुझे मेरा ये पहला माइलस्टोन था जिसमें मुझे अप्रॉक्स 10 लाख का मिला, 2 करोड़ का प्रपोजल पास हुआ। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा, हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा, उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।